तो आजकल एक चीज चल रही है मार्केट पर कि पठान को बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो, क्यों? तो उस पर एक चीज उन्होंने देख ली है, वो है दीपिका का क्रश, और वो भी भगवा रंग में। तो उस चीज को लेकर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शाहरुख की पठान को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, रट लगाए हैं ऐसा कि उसको पार्लियामेंट तक पर उछाल दिया गया। ये जो शाहरुख खान की फिल्म आई है दीपिका पादुकोण की, ये जो है बैन करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फिल्मों को बैन करने का काम जो है उस चीज को पार्लियामेंट पर उछाला गया जस्ट बिकॉज कि उसमें दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी है जो कि भगवा रंग की है। रंग रंग जस्ट रंग पार्लियामेंट पर उछालने के लिए उनके पास बहुत से क्वेश्चन है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, सड़कें हैं, देश की हालात है। मैं ज्यादा खुल के बोल नहीं सकता फॉर सम रीजंस। एक साबुन आता है इफ यू नो, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, मैं बस फोटो लगा सकता हूँ, आप देख लो, उसका बारे में ज्यादा बता नहीं सकता। वो साबुन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं जबकि वो भी भगवा रंग का है। दूसरी चीज, ये आज की बात नहीं है कि लोग ये आज ही से स्टार्ट नहीं हुआ कि दीपिका ने यहाँ भगवा रंग की बिकनी पहनी है, ये आज की बात नहीं है, पहले भी प्रीवियस में बहुत सारे लोगों ने भगवा रंग पहना कर ही डांस किए हैं। लाइक अक्षय कुमार ने इस सॉन्ग पर, ये देखिए कैटरीना के साथ डांस किया है भगवा रंग साड़ी पर। दूसरी बात, मनोज तिवारी जी ने, मनोज भैया जी ने, हमारे मनोज भैया जी ने खुद बेबी बीआरपी के नाचे इस गाने पर डांस किया है भगवा रंग पहनकर। तीसरी चीज, हमारे कुछ और भोजपुरी स्टार ने भी ऐसा काम किया है भगवा रंग की यूज करके, तब तो इनका दिल आहत नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज वो खान है क्या? इन्होंने क्या सोच कर ये लॉजिक लगाया कि पठान को ही बॉयकॉट कर दे? क्या रीजन रहे होंगे? ये इनके खुद के हैं, पता नहीं क्या दिमाग लगाया है। और अगर गाने को गाने की तरह ले, पिक्चर को पिक्चर की तरह ले, तो बहुत अच्छा गाना बनाया है बेसम रंग, जो कि ट्रेंड पर चल रहा है और सुनने में भी बहुत अच्छा है, खराब नहीं गाना। अगर आप बात कर रहे हैं सीन्स की कि दीपिका ने कैसे कपड़े पहने हैं, तो भाई वो सीन ही दुबई का है, वो सीन ही स्विमिंग एरिया का है, तो लोग स्विमिंग सूट ही पहनेंगे और कोई चीज़ तो पहन सकते हैं। और ऊपर से शाहरुख, वो तो अलग चार्मिंग लग रहा है, उन्होंने इस गाने पर एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, लेकिन दीपिका से ज़्यादा ये, दीपिका ने बिकनी पहनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन जब उन्होंने शाहरुख को देखा तो मतलब मज़ा ही आ गया, मेरे को तो मज़ा ही आ गया जब मैंने शाहरुख को देखा तो। और अभी आज उनका दूसरा गाना आया है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया हूँ, जाकर सुन लो। तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है कि लोग बुरा मान क्यों रहे हैं। अगर फिल्म लोगों के सहारे चलने लगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लगे कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर लोगों के सहारे फिल्म चलने लगेगी ना, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई पैसे नहीं कमा पाएगी फिल्म, कोई अच्छी फिल्म नहीं बनेगी अगर लोगों के सहारे फिल्म चलने लगी तो। समझ रहे हो ना, फिल्म चलती है क्योंकि उसको ऐसा बनाया जाता है, जो वहाँ बड़े लोग बैठे हैं वो ऐसा स्क्रिप्ट करते हैं कि आपको फिल्म पसंद आए, आप देखने जा रहे हो तो आपके पैसे वसूल हो, इसलिए वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जो आपको मनोरंजन करे। फिल्म होती है मनोरंजन के लिए, बस उसे मनोरंजन तक ही रखो, उसको अपने दिल पर मत लो। ये होता है एक असली आदमी का काम, असली पढ़े लिखे का काम, समझदार हो, कुछ समझो, सोचो, समझ गए? तो बॉयकॉट करना है तो तुमको क्यों, तुमसे क्या मतलब? सेंसर बोर्ड वहां बैठा है ना कैंची लेकर, वो काट देगा उसको जो काटना होगा, जो भी असली होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसमें इतने बिकनी सीन्स हैं तो कुछ ना कुछ तो काटेगा, इस चीज का दिमाग लगाओ। नहीं, हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ तो नहीं कहा, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने कुछ तो नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारे ही भावनाओं को ठोस क्यों पहुंच रही है? वो भी तो उसी लेवल के हैं ना, आप सब 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 तो एक ही समान है, तो उनके हार्ट को क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके दिल में ठेस क्यों नहीं हुई, सिर्फ तुम्हें ठेस क्यों पहुंच रही है? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि फिल्म को फिल्म की तरह लो बस, क्योंकि वो एक रंग है, कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि उस रंग से कोई दूसरी चीज ना बना जाती हो। अगर आप लिस्ट लेकर बैठ जाएं तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो सेम रंग की हैं, तो आपको तो दिल को आहत लग जाएगा, आपको तो परेशानी हो जाएगी, आप तो बॉयकॉट पर उतर आओगे। मेरा कहना बस ये है भाई, मैं तो फिल्म देखने जाऊंगा क्योंकि शाहरुख खान ने चार साल बाद कम बैक किया है इतनी मस्त बॉडी, इतनी मस्त फिल्म के साथ। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये वही शाहरुख खान है जो पहले रोमांटिक फिल्म्स दिया करते थे, जो आपके दिल में बसते थे, जो आपकी जान थी, जिसे आप पसंद करते थे, ये वही शाहरुख खान है। फिल्म उन्होंने आपके लिए बनाई है, आप फिल्म देखो और उसे पसंद करो। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि फिल्म आपको पसंद आए, क्योंकि दर्शक ही उनके लिए भगवान है।
क्योंकि आप ही के सहारे वो हैं। तो फिल्म और एक फिल्म बनाने में सिर्फ शाहरुख और दीपिका नहीं लग रहे हैं, इंटायर बहुत से लोग होते, हजारों लोग होते हैं एक फिल्म को बनाने पे। तो ऐसे आप किसी फिल्म को बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप ऐसे ही दिमाग नहीं लगा सकते कि चलो किसी फिल्म को बॉयकॉट कर दिया जाए। मैं बस दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा सोचिए, समझिया करिए, उस चीज़ के पीछे हजारों लोगों का रोटी पानी चलता है, समझ रहे हैं ना, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, ऐसे बहुत से लोग हैं, चाय वाला और टक से जो करता है वो, मतलब ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जिनका उससे घर चल रहा है और आपके एक बेवकूफ़ी के कारण बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे किसी चीज़ का बॉयकॉट नहीं कर सकते, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं तो मूवी देखने जाऊँगा, ये तो 110% है, चाहे कोई देखने आए और ना आए, मैं तो अपने शहर में मूवी देखने जाऊँगा, दैट्स इट। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी मूवी देखने आएंगे, क्योंकि मूवी बहुत ही बड़े प्लॉट पर बनाई जा रही है, पैन इंडिया मूवी होने वाली है और 3D IMAX पर शूटिंग की गई है, तो फिल्म होने वाली है जबरदस्त, एक नंबर की। उसके दोनों गाने आए हैं, वो भी फाड़ू है, एक नंबर के। आप लुक देख लेंगे शाहरुख खान का तो मतलब फिदा हो जाएंगे। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आपको फिल्म ज़रूर देखनी है, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय बाय फ्रॉम सिनसिनाटी।